जय यीशु बच्चे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब सेफ है ना? ठीक है, तो बच्चे याद है आप लोग किसके बारे में लास्ट क्लास में सुना, किसके बारे में सुन रहे थे? हाँ, आप लोग याकूब के बारे में सुन रहे थे। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? इसराइल। ठीक है बच्चे, तो जैसे हम हमारा चौथा लेसन में जा रहे, वो चौथा लेसन का नाम क्या है? इसराइली जनता मिस्र में। क्या है बोलो एक साथ? इसराइली जनता मिस्र में। ठीक है, तो जैसे हम ये लेसन के इधर आगे जाएंगे, उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो सब जन उसके लिए क्या करना है? हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठना है। ठीक है, चला। हे प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र हृदय में ये बच्चों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जैसे आपके बच्चे बढ़ते आ रहे हैं, हे प्रभु यूसुफ के समान आपके साथ रहकर, आपके दिल के पास रहकर, हे प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने की और सबके लिए जहाँ कहीं भी वो जाओ आपके अनुग्रह के पात्र बनने के लिए इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पवित्र माता मरियम इनके साथ दे। हे हमारे विश्वास के पिता संत थॉमस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। ठीक है बच्चे, तो हम आज इसराइल जनता मिस्र में इसके बारे में सुनेंगे। लास्ट क्लास में हम याकूब के बारे में सुन रहे थे, है ना? ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ा कि याकूब को कितने बच्चे हैं? हाँ, उनको 12 बच्चे थे। 12 बच्चों से उसको 11वां वाला नाम क्या है? यूसुफ। हाँ, 11वां वाला यूसुफ को बहुत प्यार करते थे याकूब। तो वो अभी बुड्ढा हो गया भी, तब इनके 12 बच्चों से याकूब को प्यार करते थे, इसलिए उसको सबको प्यार करते थे, लेकिन याकूब से क्या था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार करते थे। तो क्या हो गया, जब ये बाकी उनके भाइयों को मालूम पड़ा कि हाँ यूसुफ को पप्पा ने ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोग क्या करने लगा? आप लोग ऐसा है ना, घर में बोलते हैं ना, हाँ मम्मी मेरे को प्यार नहीं करते, भाई को प्यार करते हैं, बहन को प्यार करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे इन लोग भी ऐसा शिकायत करते थे कि हाँ पप्पा यूसुफ को ज्यादा प्यार करते हैं करके। और ये पप्पा क्या करते हैं पता है क्या? ये पप्पा यूसुफ के लिए स्पेशली एक कुर्ता भी, एक सुंदर कुर्ता वो भी बना के दिया है। तो वो यूसुफ वो ही पहन रहे थे। तब एक दिन क्या हो गया, ये यूसुफ ये तो हमेशा सपना देखते थे, स्वप्न देखते थे। तो जैसे वो देखता है, वो उसका बड़ी निष्कलंकता से अपने भाइयों को बता दे दे। तो एक दिन क्या हो गया, यूसुफ ने ऐसा बता दिया कि भाइयों आज मैं ऐसा एक सपना देखा जिसमें हम लोग खेत में वो धान वगैरह काट के वो पूला बनाते, वैसे बांध रहे थे। तब क्या हो गया, हाँ मेरा पूला खड़ा हो गया और बाकी सब पूले मेरे को, मुझे प्रणाम कर रहे थे। और वो बताया मुझे और एक सपना हुआ, उसमें क्या देखा कि पूरा सूर्य चांद और सभी 11 तारे उनको प्रणाम करते थे। किसको? यूसुफ को प्रणाम करते थे। तो ये सब सुन के उनके भाइयों को और गुस्सा लगा, इनसे बहुत रणा किया, इनको बहुत ईर्ष्या के साथ उन लोग बताया क्या है,
आपका माँ बाप और हम 11 लोग आपको प्रणाम करना है। ऐसा सब बोल के उन लोग बहुत गुस्सा किया उससे। और एक दिन उन लोग ऐसा सोचा कि हम इसको मार डालेंगे। तो तब उनका सबसे बड़ा वाला भाई रूबन ने बताया, नहीं नहीं अपने वाला अपना ही खून है, वो उसको मारना ही डालना है, ऐसा बोला। फिर उसने लेकिन कुछ षड्यंत्र बनाया कि उसको कुछ करना है ऐसा। फिर एक दिन ये इन लोग सब क्या करने के लिए जा रहे थे, हाँ बकरी गाय वगैरह चराने के लिए जाते थे जंगल में वगैरह। तो एक दिन जैसे यूसुफ उनके बकरे को भेड़ को वो चराते थे, ये लोग क्या किया, सब बाकी सब भाइयों आके उसको पकड़ के, वो पप्पा उनको बना के दिया वाला यानी याकूब उनको बना के दिया वाला वो सुंदर कुर्ता क्या किया, निकाल दे उतार दिया। और उसने क्या किया, हाँ उनको उधर का एक बिना पानी का एक कुआं में फेंक दिया। तब किसी ने तो बताया उसको, अरे हम इधर नहीं डालेंगे, वो व्यापारी लोग वो रास्ता से जाते थे, दूसरा मिस्र देश में जा रहे थे, उन लोग इस्माइलेनी लोग था। तो जैसे ये जा रहे थे उन लोग क्या किया, उनको वो कुआं से उठाकर वो यूसुफ को ये व्यापारियों को दे दिया और पैसा भी ले लिया यानी उसको बेच डाला। तब क्या हो गया, यूसुफ इनके साथ कहाँ चले गए, मिस्र देश में चले गए। तब ये भाइयों ने क्या किया, उनका जो कुर्ता इन लोग उतारे थे वो कुर्ता में एक बकरी को मारकर उसका पूरा खून से उसको पूरा बिखा दिया और पापा के साथ जाके बताया कि देखो आपका बेटे को कुछ जंगली जानवर खा लिया है, मार डाला है, देखो उसका कपड़ा हम लाया है। तब याकूब यानी उनका पिता को बहुत दुख लगा क्योंकि अपना प्यारा बेटा था। तो उसने क्या किया, वो बहुत खाना भी नहीं खा रहे थे, रोते रोके रोके ऐसा दिन बिताते थे। ऐसे फिर ये यूसुफ को क्या हो गया, जैसे यूसुफ व्यापारियों के साथ वो मिस्र देश में आया, व्यापारियों ने क्या किया, हाँ व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र देश में लेके जाकर उधर का एक पदाधिकारी यानी फिरावन का पदाधिकारी को बेच डाला। फिरावन बोले तो कौन है, हाँ इजिप्त देश का राजा को बुलाने वाला नाम है फिरावन, समझे। तो वो फिरावन के एक सैन्याधिकारी और पदाधिकारी का बेच डाला, उसका नाम था पोटिफर, हाँ पोटिफर नाम के एक पदाधिकारी को उसने बेच डाला। पोटिफर ने यूसुफ को घर लेके गए, जैसे वो घर में पहुंचा जो कुछ पोटिफर ने यूसुफ को यानी उसको देते थे जो कुछ काम देते थे वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कौन करते थे, हाँ यूसुफ करते थे। तो जैसे यूसुफ ने जो कुछ काम कर रहे वो सब में सफलता कर रहे और जो कुछ उसने किया सब कुछ अच्छा किया, ये सब देखकर पुट्टीफर ने उनका घर का सारी संपत्ति का अधिकार किसको दिया, यूसुफ को दिया। वैसे यूसुफ बहुत अच्छे से जी रहे थे वहां। एक दिन ये पुट्टीफर ने कहाँ गए, बाहर कहीं तो गया। तब पुट्टीफर की बीवी ने क्या किया, वो यूसुफ को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो देखने के लिए बहुत अच्छा लड़का था, सुंदर था। तो पुट्टीफर की वाइफ ने, हाँ बीवी ने क्या किया, उसने उसको इसको पाप करने के लिए बुलाया। तब यूसुफ ने क्या किया, वो बताया नहीं मैं ईश्वर के विरुद्ध और अपने, हाँ अपने जो पोटिफर है अपना अधिकारी है उनके विरुद्ध पाप नहीं करेगा, नहीं ना बोल दिया। तब पोटिफर के वाइफ ने क्या किया, उसको गुस्सा आया और जब पोटिफर वापस आ गया तब पोटिफर को ऐसा बता दिया कि झूठ बोला कि हाँ ये यूसुफ ने मेरे को मुझे अपमान मेरा अपमान करने के लिए, हाँ मेरा अपमान करने के लिए वो कोशिश किया बोले। तब पोटिफर को बहुत गुस्सा आकर यूसुफ को क्या किया, बंदी गृह में यानी जेल में डाल दिया।
जैसे यूसुफ जेल में पहुंचा, वहां भी वो अच्छे व्यवहार कर रहे थे, तो उनको देखकर क्या हो गया? हाँ, उनको देखकर उधर का वो जेल अधिकारी को बहुत पसंद आया। फिर उसने बाकी सब कैदियों का लीडर बनाया इसको। तब इनके साथ ये जेल में दो जन थे जो फिरावन के दो काम वाले थे। एक कौन था? ये एक फिरावन के प्याला लेके जाने, प्याला वो वाहक था, यानी वो लेके इनके पास लेके आते लेके जाने वाला एक आदमी था। दूसरा कौन था? उसका रसोई घर का आदमी था, यानी जो उनके लिए खाना बनाने वाला था। तो ये दोनों कुछ गलती के कारण उनको ये बंदी गृह में डाला था। तब ये दोनों ने एक एक सपना देखा और वो या किसको बताया? यूसुफ को बताया कि हम ऐसे ऐसे सपना देखा, इसका मतलब क्या है करके। तब यूसुफ ने उनका सपना का व्याख्या कर दिया और जैसे वो बताया वैसे हो गया, यानी जैसे वो बताया वैसे घटित हो गया। फिर ये काम वाले को, यानी एक जन को वापस बुलाया काम के लिए, दूसरा जन का मार भी डाला, ऐसा है। तब ऐसे एक दिन ये क्या हो गया, अपने फिरावन एक सपना देखा। तो वो सपना कैसा था कि ऐसा था कि नील नदी जो इजिप्त में है, तो वो नील नदी से अच्छा मोटा वाला और सुंदर सा गाय, सात गाय उधर से वो नील नदी से आया और अच्छा से हरा हरा घास में चरते थे। तो बाद में वो देखा तो फिर से उनके पीछे सात एकदम पतला सा और कुरूप वाला गाय आ गया। और क्या किया, ये सुंदर वाला गाय था ना सात, वो सातों को खा डाले, कौन से, ये पतला वाला कुरूप वाला। फिर फिराउन ने नींद से उठा और देखा तो समझा वो नींद था, फिर से सो गए। फिर से उन्होंने और एक सपना देखा जिसमें क्या देखा कि वो नील नदी के पास में है, वो क्या देखा कि एक की डंडल में सात बाले फूट निकले, अच्छा भरी पूरी वाला बाले। और थोड़ी देर के बाद वो देखा तो दूसरे एक डंडल में ऐसे सात बाले फूट निकले जो बहुत पतला था, बहुत पतले थे। तब ये थोड़ी देर के बाद क्या किया, ये पतले वाला बाले ये मोटी भरी वाला बालों को खा डाले। तब फिरावन ने डर कर जल्दी नींद से उठी और उनका नींद खुल गई तो उसको बहुत, यानी वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वो सोचा कि मेरा ये सपना का अर्थ क्या है। दूसरे दिन सुबह ही उसने क्या किया, उनके सभी जादूगरों पंडितों यानी उनके देश का सभी लोगों को, यानी ऐसे लोगों को बुलाया और बताया कि देखो ये है मेरा सपना, इसका व्याख्या क्या है मेरे को बता के दो। और जैसे ये दोनों सपना सुना तब उनके पंडितों और उनका जादूगर लोगों को कुछ भी नहीं पता चला, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है करके। तब ये फिरावन के जो साखी था, यानी जो उनका प्याला का वाहक करते थे, उसने याद किया कि जब वो जेल में बंद गृह में था तब किसने किया, हाँ अपना यूसुफ ने उनका सपना का व्याख्या किया और वो सच्ची हो गया। तो उसने बताया फिरावन, हाँ एक आदमी है जो मेरा सपना बताया और वो उसका व्याख्या किया तो उसको सही वैसे घटित हो गया। फिर फिरावन ने बताया चल जल्दी उसको बंदी गृह से लेके आओ, ऐसा बताया। तो जैसे ये यूसुफ ने फिरावन के पास आया, फिरावन ने बता दिया सपना। जैसे ये सपना सुना तब यूसुफ ने उनका व्याख्या करना शुरू किया। उसने क्या बोला कि हाँ जो सात अच्छे गाय को, नहीं तो ऐसे बड़े
पूरी वो बालों को आप देखा वो क्या है, हाँ, अपने देश में 7 अच्छा सुकाल आ रहे, यानी 7 वर्ष, यानी हाँ 7 इयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, 7 साल एकदम अच्छे से बहुत सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही समृद्धि का वर्ष आने वाला है, 7 वर्ष आने वाला है। और उसके पीछे हाँ क्या आने वाला है, 7 वर्ष अकाल होने वाला है, बोले तो जिसमें पानी नहीं होगा, कृषि नहीं कर सकते, अनाज नहीं होगा, सब ऐसा भूख रहना पड़ेगा, ऐसा 7 साल आ रहे उनके पीछे। तब हम क्या करना है, हाँ ईश्वर ने ये जल्दी करेगा, इसलिए आप लोग जल्दी ये जो 7 वर्ष है उसमें पूरा ये अपना अनाज का भंडार पूरा भर के रखना है आने वाला 7 साल के लिए भी। ऐसे बताया तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए था जो इसको लीडरशिप देने के लिए। तब फिर उन्होंने किसको अपॉइंट किया, हाँ वो बताया, हाँ आप ही इसका लीडरशिप लेना है, आप ही इसका अध्यक्ष बनना है, ऐसा बोल के यूसुफ को उसने इसका इंचार्ज, इसका लीडरशिप दे दिया। वैसे यूसुफ ने वैसे ही किया, यानी जो कुछ उसको मिल रहे थे उसको सब क्या किया, वो जल्दी ही पूरा सभी सिटियों यानी सभी नगरों में बड़ा बड़ा भंडार बनाया, और जो कुछ अनाज मिल रहे थे ये पूरा उसमें क्या किया, जमा कर दिया। वैसे ही जैसे ये सपना देखा वैसे 7 साल हो गया, तो अकाल का 7 साल आ गया। तब सारे देश में ऐसे अकाल पड़ा था, और उसके आस पड़ोस के देश में भी कुछ भी नहीं था, तो इजिप्त में यानी जो मिस्र में कुछ कमी नहीं था, क्योंकि इन लोग बहुत अच्छा से क्या कर किया था, हाँ संभाल के रखे थे, जो उनको सुकाल में मिला था वो पूरा अकाल के लिए संभाल के रखे थे। फिर उनका आसपास आस पड़ोस का देशवासियों जब सुना कि इस मिस्र देश में बहुत सारा है, तो लोग क्या किया, वहां से आकर यहां से अनाज लेके जा रहे थे। वैसे ही एक दिन क्या हो गया, यूसुफ के माँ यूसुफ के बाप और भाइयों ने इसके बारे में सुना, तो यूसुफ के बाप कौन है, कौन था, याकूब, या याकूब सुना और याकूब बताया, हे बेटा, सब सभी बेटा को बुला के बताया, देखो आप लोग मिस्र में चले जाओ, पैसा लेके जाओ और अपने लिए अनाज लेके आओ, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। तब उनके भाइयों ने क्या किया, आकर मिस्र में आकर ये यूसुफ के साथ पास आकर सारे उन घर के लिए जितना अनाज चाहिए था वो लेके गए। लेकिन जब यूसुफ को अपने भाइयों को देखो, उनको समझ में आया कि ये कौन है, हाँ ये हम मेरा भाइया है करके उनको समझ में आया, लेकिन उनके भाइयों को ये समझ में नहीं आया कि वो कौन था, हाँ वो यूसुफ है करके उनको समझ में नहीं आया। तो यूसुफ ने क्या किया, लास्ट आखिरी में बता दिया कि मैं आपका भाई यूसुफ हूँ। तब नेचुरली उनका भाइयों को डर लगा कि अरे हमने उसको कुआं में डाला था, उनके साथ क्या क्या अत्याचार किया, उनको बेच भी डाला, फिर अभी वो भी इतना बड़ा पदवी में आ गया, तो पदाधिकारी बन गया, तो उनको डर लगा कि अभी एक शब्द बोलने से इनको सब हाँ कहाँ डाल सकते थे, जेल में डाल सकते थे, इसलिए उन लोग बहुत डर गया। तब यूसुफ ने क्या बताया कि अरे भाइयों आप लोग डरना नहीं, मैं आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि आपके पहले ईश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, ऐसा बताया। फिर उसने इनको बहुत सारा अनाज दिया और बताया आप लोग जाओ और वापस आते टाइम फिर से आ जाओ और अपने पिताजी को भी ले आओ और यहाँ रहेंगे करके बताया। फिर जैसे या ये भाई है उनके पिता के पास पहुंचा, उन्होंने बताया कि देखिए अपना भाई यूसुफ अभी जिंदा है, वो ऐसा बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया, ऐसा बताया।
तो जब याकूब को ये सुनाई दिया कि उसका प्यारा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, बहुत खुश हो गया। और उसने क्या किया, जल्दी से जल्दी इनके पास जाने की तैयारी किया। उनका सारी संपत्तियां उठाकर उन लोग कहाँ आए, मिस्र देश में आने लगे। फिर जैसे वो आया, अपने यूसुफ ने उनको अपने पिता और भाइयों के लिए क्या दिया, हाँ, रामसेस नाम के मिस्र देश के सबसे अच्छे एक जगह प्रांत प्रदेश उनको दे दिया और उधर उन लोग रहना शुरू किया। तब इतना ही है हमारा यूसुफ का स्टोरी। तब ये है यूसुफ का मुक्ति विधान का वो अपना वो चरित्र है उस इतिहास है उसका स्थान। लेकिन बच्चों, हम ये अपने यूसुफ के इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ, कि हमारी जिंदगी में जो कुछ कठिनाइयां आते हैं और जो कुछ दुख तकलीफ आते हैं, हम क्या करना है? हम निराश ना होना है और ईश्वर के टाइम के लिए वेट करना है ना? अभी यूसुफ भी ऐसा किया ना, तो उसको भी ऐसा, अरे मेरे को मेरा भाइयों ने ऐसे बेच डाला, ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा हूँ क्यों, ऐसा बिल्कुल वो आत्महत्या करने के लिए सोच सकते थे, है ना? तो ईश्वर को गुस्सा कर सकते थे, ऐसा ना? तो इस ईश्वर के विरुद्ध भी कुछ नहीं बोला, अपने भाइयों के विरुद्ध भी कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया, सब कुछ खुशी के साथ, ईश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा, आज मेरा दिन काला है, कल ईश्वर ने मेरा दिन सफेद बनाएगा, है ना? यानी आज का मेरा दिन दुख से भरे है, लेकिन कल का मेरा दिन ईश्वर के पास बहुत सारा खुशियां है जो मुझे दे सकते हैं, है ना? तो ऐसा विश्वास हमें भी चाहिए, ठीक है? तो जीवन जीवन अपना जिंदगी में जो कुछ मुसीबत आती है वो सब खुशी से झेलना है। तो बच्चे, ये याकूब के 12 संतान थे, वो 12 पुत्रों से इसराइल की 12 गोत्र का उत्पन्न हो गया, और ये 12 गोत्र का उत्पन्न हो गया। और ये अपने नया विधान में हम देखते हैं, 12 शिष्यों के द्वारा, यीशु के 12 शिष्यों के द्वारा यीशु का मुक्ति का वो इतिहास वो आज भी चल रहे हैं, ठीक है? तो आज समझा ना सब कुछ? हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम खत्म करेंगे। तो सबको जय यीशु। और अगले बार आपका जो होमवर्क है वो मैं बता के दिया है कि क्या है, अपने जिंदगी में आने वाले मुसीबतों को खुशी के साथ हम सामना करना है। ईश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको याद रहना है, ठीक है बच्चे? बाय।